मतलब डॉक्टर महेश शर्मा गजबी वायरस, पहले लोग कहते थे मैं पैनिक फैला रहा हूं, मैं सब बोल रहा था, सही कह रहे हैं, नहीं आप सही कह रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम मैंने पहले पहले बताई थी तभी पॉसिबल है। डॉक्टर डीके गुप्ता आई एम सो हैप्पी, आप यकीन मानिए मैं इतनी खुश हूँ कि और मेरे ख्याल से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ डिबेट कर रही हूँ। इस वक्त बहुत जरूरी है, आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है इस वक्त देश को। ये पैनिक फैलाना आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पैनिक फैलाना है। डॉक्टर महेश शर्मा सही बात है भाई, पहले हमें लगा था कि पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है, पर मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मर्तबा कहा था कि ये डर जरूरी है, वो कोरोना वायरस के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उन तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कोरोना वायरस के लिए सर थोड़ा डर जरूरी है। हम सबको शक्की हो जाना चाहिए, शक्की हो जाना चाहिए कि मेरे हाथ पर वायरस बैठा हुआ है, सामने वाले के शरीर में वायरस है, ये शक्की हो जाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा देखिए, आप रूबिका जी ठीक कह रही हैं कि ओवर प्रिकॉशन लेने में कोई, जिसका इलाज ही कुछ ना हो तो प्रिकॉशन ही हमारे पास इलाज है, और प्रिकॉशन में भी ओवर प्रिकॉशन ले लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि और कोई हमारे पास तरीका ही नहीं है। हमें इन सब लोगों को जहां है वहीं रोकना होगा, आगे से कोई मूवमेंट ना हो, कोई लोग जो रास्ते में आधे रास्ते में निकल चुके हैं उनको हम नियरेस्ट जगह तक, जहां तक भी, स्कूल में किसी में ठहरा दें, किसी जगह पर कम्युनिटी सेंटर में ठहरा दें, क्योंकि ये अपने गांव में अगर लेकर जा रहे हैं तो ये कैरियर बनकर जा रहे हैं। हो सकता है इनमें से किसी को भी लक्षण ना हो, लेकिन ये लक्षण हो सकता है अपने बूढ़े मां बाप को वहां पर फैला दें, ये हो सकता है उस गांव में अगर ये बीमारी, और जैसे साथी जी के गुप्ता ने कहा कि गांव के साधन इन शहरों के मुकाबले बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। अगर कल को कोई चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ी, अचानक याद आया डॉक्टर महेश शर्मा एक चीज इनके घर में, ये इन दिमाग में ये भी घर कर गई है, तमाम मेरे जो श्रमिक भाई हैं जो पलायन पर निकल चुके हैं, जो मजदूरी करते हैं या जो किसी कल कारखाने में काम करते हैं, डॉक्टर गुप्ता आप भी इसका जवाब दीजिएगा। आपको पता है एक शख्स से मैंने बात की तो उसने कहा मैडम ये अमीरों की बीमारी है, हमको कैसे लग जाएगी, ये तो उन लोगों को ही है जो विदेश में घूमने गए थे। अब मैं सही कह रही हूँ आपको, ये उनके जहन में बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी तकलीफ की बात है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी को भी, मेरे वार्ड बॉय को भी हो सकती है, मेरे हाउसकीपिंग के व्यक्ति को भी हो सकती है, मेरे हाउसकीपिंग के व्यक्ति को भी हो सकती है। इस बीमारी के पीछे, ये कृपया ध्यान दें, इसके पीछे किसी की ना धर्म, ना जाति, ना उम्र, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को, किसी के भी व्यक्ति को ये हो सकती है। ना ये अमीरों की बीमारी है, ना ये गरीब की बीमारी है, और ना ही इसके अंदर अपने शरीर की प्रतिरोध शक्ति। मैं बताना चाहता हूं, और बीमारियों की प्रतिरोध शक्ति हमारे गरीब और गांव के लोगों में ज्यादा होती है, लेकिन इस बीमारी के प्रति प्रतिरोध शक्ति, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो समाज में कम्युनिटी में होती है, वो क्योंकि बीमारी पहली बार आई है तो इसकी इम्यूनिटी भी किसी में नहीं है, ना मुझ में है, ना किसी गरीब में है, ना मेरे कर्मचारी में है, ना मेरे पिता। हां, जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं या जिन पेशेंटों की डेथ हुई है, कृपया ध्यान दें, वो हर कैटेगरी के हैं, वो गरीब कैटेगरी के ज्यादा हैं बल्कि, क्योंकि उनकी जांच तक पहुंचने, साधन पहुंचने में उनके पास देरी हुई है। तो ऐसा कृपया ना समझें कि ये बीमारी किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी या किसी भी गरीब और अमीर के बीच की है, ये मानवता की बीमारी है। इसके लिए कृपया 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 जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, या रूबिका जी जो आप अपील कर रही हैं, उसको फॉलो करें, जो जहां है वहीं रुक जाए, और उनके गांव में जाने की इजाजत ना दी जाए, उनका रखाने पीने का इंतजाम। देश में साधनों की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 7 दिन नहीं कम खाएंगे तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, हमें कम खाना चाहिए। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सामान्यतः हम नहीं डॉक्टर महेश, मेरे पास वक्त की कमी है, बल्कि नहीं, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, शायद उसी डर में जो है उनको लगता है घर पर खेती बाड़ी होती है।